स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों सेक्शन 148 ऑफ CGST एक्ट 2017, जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 148 के प्रोविजन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेक्शन जो है बहुत ही इजी है, सिंपल है। इस सेक्शन में जो भी बातें कही गई है, मेनली दो बातों पे आपको ध्यान देना है। पहली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ रजिस्टर्ड पर्सन के क्लास को नोटिफाई करेगी और उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोसीड्योर बनाएगी। जी हाँ, बस यही दो बातें। पहली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई सर्टेन क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोसीड्योर्स टू बी फॉलोड बाई सच नोटिफाइड पर्सन्स। बस यही दो बातें कही गई है। ये सेक्शन 148 के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है, तो कौन कौन से क्लास ऑफ पर्सन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि नंबर वन बात करें कि सप्लाई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है ये नोट्स को। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिएगा, AUBSP सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल टेलीग्राम मोबाइल ऐप में। तो वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया है। सप्लाई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इफ यू आर सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, देन यू शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश। जी हाँ, ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुए? जो पर्सन आउटसाइड इंडिया से इंडिया में जो रहते हैं उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, उनको डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फॉर्म GSTR 9 जो है, जो एनुअल रिटर्न है, उसको फिलअप नहीं करेंगे, फाइल नहीं करेंगे, और GSTR 9C जो है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी फाइल नहीं करेंगे। जी हाँ, ये छूट रिलैक्सेशन दी गई है उन लोगों के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 30/2019 डेटेड 28 June 2019, राइट। दूसरी नंबर बात, GSTR 1 इफ टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो आप जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिएगा GSTR 1, जो क्वार्टरली टाइम से, यानी कि अप्रैल से जून 2019 का ड्यू डेट आपका 31 जुलाई है, और जुलाई टू सितंबर 2019 31 अक्टूबर है, राइट। यानी क्वार्टर जैसे ही एंड होगा उसके नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट जो है वो आपके लिए ड्यू डेट होगा। ये नोटिफिकेशन 27 नंबर था और ये भी 28 जून 2019 को नोटिफाई किया गया, राइट। अच्छा, तीसरी बात, अगर GSTR 1 इफ टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़, इफ यू हैर GSTR 1 इफ टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? GSTR 1 मंथली फाइल करना पड़ेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों मंथ का जो ड्यू डेट होगा वो 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, यानी जुलाई का अगस्त 11th अगस्त, अगस्त का 11 सितंबर और सितंबर का 11th अक्टूबर ड्यू डेट होगा। किन के लिए? जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है। चौथी बात, CMP 08। जी हाँ, ये लास्ट रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आपका नोटिफिकेशन नंबर 34 अगर देखें, 18 जुलाई को, दो दिन पहले ही नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने ये बताया कि लास्ट डेट जो है CMP 08 फाइल करने का फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून 2019 31st day of July, यानी 31st जुलाई जो है वो ड्यू डेट रखा है एक्सटेंड करके,
अदरवाइज 18 तारीख को ही ड्यू डेट था, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक क्वार्टर पे आपको CMP फिलअप करना पड़ता है, किसके लिए? द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग GST अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। जी हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को प्रत्येक क्वार्टर के एंड में जो है, यानी मार्च अप्रैल मई जून, यानी अप्रैल 2019 से जून 2019 का ड्यू डेट ऐसे नॉर्मली क्या होगा, 18 जुलाई 2019, बट एक्सटेंड कर दिया गया है डेट और उसको कर दिया गया है 31 जुलाई 2019, ठीक है। आप रेफर कर सकते हैं 34th जो नंबर नोटिफिकेशन है, 18 जुलाई को इश्यू किया गया था। अच्छा, और GSTR 4 जो है वो तो एनुअली कर दिया गया है, एनुअली आपको वो फाइल करना ही है, 30th अप्रैल ऑफ एवरी ईयर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, राइट। अच्छा, उसके बाद चौथा कितना नंबर पॉइंट हो गया, चार हो गया, पांचवा नंबर पॉइंट में प्रोमोटर्स पे GST अंडर रिवर्स चार्ज ऑन TDR और FCI। जी हाँ, ये भी एक सिंपल चीज है, पेचीदा आप कीजिएगा तो पेचीदा केस टू केस जो है वो वेराई करता है, डीपली हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने कि GST ऑन सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या FCI या फिर लॉन्ग टर्म लीज जो है लैंड का, अगर आप 1 अप्रैल 2019 के बाद ट्रांसफर करते हैं तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे प्रोमोटर्स को है जो GST देना पड़ेगा। और किस डेट को ये रेज होगा, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द प्रोजेक्ट और ऑन इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच वर इज अर्लियर। ये 29th मार्च को बहुत सारा नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि वन ऑफ द नोटिफिकेशन ये भी था, ठीक है, उसको शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। सिक्स नंबर क्या है, GST रिफंड विद इन 18 मंथ्स। एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 कंसल्टेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, जो क्लास ऑफ पर्सन है उसको ये स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। इन लोगों के लिए क्या रूल है, स्पेशल प्रोसीड्योर क्या है, ये जो एबव स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है वो एक एप्लीकेशन देंगे रिफंड के लिए, जो भी टैक्स का रिफंड इनका बनता है, ऑन इनवर्ड सप्लाईज इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज रिसीव्ड। क्लियर, यानी क्वार्टर एंड के 18 महीना के अंदर अंदर आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिफंड के लिए, राइट। अच्छा, सातवां नंबर क्या है, सातवां नंबर है टाइमिंग फॉर GST पेमेंट ऑन TDR। जी हाँ, ये भी एक सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटी टू पे GST सेल राइज ऑन जब डेवलपर जो है सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, यानी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अगेंस्ट में, यानी अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऐसे जो कंसिडरेशन है उसके अगेंस्ट में अगर डेवलपमेंट राइट्स आप सप्लाई कर रहे हो या फिर उसके वाइस वर्सा, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर द डेवलपमेंट राइट्स और द पोजिशन बाय इंटरिंग इन टू द कॉन्वेंस डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका लाइबिलिटी जो है वो अराइज होगा। GST पेमेंट का लाइबिलिटी कब अराइज होगा, जब आप ट्रांसफर करोगे डेवलपमेंट राइट्स और द पोजिशन बाय इंटरिंग इन टू कन्वेंस डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लाइक अलॉटमेंट लेटर एटसेट्रा, तो आपका GST लाइबिलिटी जो है वो अराइज होगा। सेवेंथ नंबर, एट नंबर, ये लास्ट एट नंबर है,
जीएसटी ऑन पर्सन्स नॉट ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। जहाँ इससे तो सिंपल सी पहले क्या था कि टर्नओवर का भी लोचा था, अभी जो क्या है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो एडवांस जब रिसीव कर रहे हैं तो उस पर कोई जीएसटी जो है वो नहीं लगता था, एक्सेप्ट जो कंपोजिशन स्कीम अपनाए हैं। तो एज वी नो दैट द जीएसटी लॉ प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस टूवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी then you shall pay GST on the outward supply of goods at the time of supply. Supply means the date of issue of the invoice or the due date on which the invoice should be issued, whichever is earlier. You shall furnish the details and returns as mentioned in chapter 9. Chapter 9 return के बारे में बोलता है, यानी जो भी act में कहा गया है उसी प्रकार से आपको return जो है file करने पड़ेंगे, statement file करने पड़ेंगे, tax का payment करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन का जो 66 नंबर नोटिफिकेशन है उसका नट सेल यही लगता है कि जो एडवांस आप रिसीव कर रहे हैं कोई भी टैक्स पेयर, तो उनको एडवांस पे कोई भी जीएसटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कंपोजिशन स्कीम जो अवेल किए हैं उनको ये करना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं हमें। और इस नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, इस प्रकार के अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे सबमिट कीजिए कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन याद रहे टॉपिक जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए फॉर द फिनेंस वर्ल्ड, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।